प्रिया कैसेट प्रेजेंट। ये संकीर्तन हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाभारत के उस काल का, जिस समय पांडवों के घर में दुर्योधन का आगमन होता है लाक्षागृह में, और उस समय अचानक जहां पर जल है वहां थल दिखाई देता है, जहां थल है वहां जल दिखाई देता है। ये उस ग्रह की करामात है जिसके कारण दुर्योधन उस जल के अंदर बह जाता है। द्रौपदी छत पर खड़े होकर के हंसने लगती हैं, तब दुर्योधन एक बात कह रहा है। आइए इस गीत के माध्यम से, प्रिया कैसेट अलीगंज के माध्यम से दर्शाने जा रहे हैं मनोज कुमार साग और ब्लास्टर की आवाज में। तू बहुत हंसती है मक्कार लगती है, तू बहुत हंसती है मक्कार लगती है, तू बहुत हंसती है मक्कार लगती है, मैं जेठ हूं तेरा बदकार लगती है, ऐसे वचन तूने कहे जो दिल में लगे झटके, बदला लूंगा मैं ऐसा जो जीवन भर खटके। बहुत हंसती है मक्कार लगती है, तू बहुत हंसती है मक्कार दिखती है, और बोला क्या बाप असुर है तेरे होते, ससुर है तेरे हो तेरे, क्या बाप असुर है तेरे हो तेरे, मेरे पिता ससुर है तेरे हो तेरे, अंधा उनको आए जुमा पे तेरे, अंधा उनको आए जुबा पे तेरे, सुन ले मेरा वचन जरा जो है सबसे हटके, भरी सभा में तू बैठेगी मेरी संगा पे सटके, तू बहुत हंसती है मक्कार लगती है, जेठ हूं तेरा बदकार लगती है, दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई अपने मामा शकुनी को पूरा हाल बताने के बाद। शकुनी से सलाह बनाई हो बनाई, और जुआ की चाल बनाई हो बनाई, शकुनी से सलाह बनाई हो बनाई, और जुआ की चाल चलाई हो चलाई, और पांडवों को दीनी खबर सुनाई, और पांडवों को दीनी खबर सुनाई, महलों में सब आए हुए आपस में चटके, भैया चंद्रपाल, महलों में सब आए हुए आपस में चटके, और हार गए धनराज
हंसती है, अंकार लगती है, मैं पाप हूँ तेरा बदकार लगती है। अंत में पांडवों के साथ में छल का जुआ हुआ, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए। फिर हारे नारी प्यारी हो प्यारी, तू शासन करे उभारी हो भारी। फिर हारे नारी प्यारी हो प्यारी, तू शासन करे उभारी हो भारी। पांचों पति हैं इनके ही आभारी, पांचों पति हैं इनके ही आभारी। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों को देखा कि हमारी मदद नहीं कर सकते, तब उसने भगवान श्याम सुंदर को याद किया। दुष्ट ने जब साड़ी खींची तब केस खुले लटके, प्लास्टर साड़ी में प्रकटे क्या नाटक है नटके। तू बहुत हंसती है मक्कार लगती है, मैं जेठ हूँ तेरा बदकार लगती है। ऐसे वचन तूने कहे जो दिल में लगे झटके, भरी सभा में तू बैठे कि मेरी जंघा पे सटके। तू बहुत हंसती है मक्कार दिखती है, मैं जेठ हूँ तेरा बदकार लगती है। साथ नाल पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया राजीव कुमार, और झनकार पर संगति कर रहे हैं भैया शैलेश कुमार, और ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज के माध्यम से, जिसके संस्थापक हैं हमारे भैया छत्रपाल जी। कैमरे पर संगति कर रहे हैं भैया आलोक जी, और इसके एडिटर हैं हमारे भैया श्रीमान अनुज कुमार जी। तू बहुत हंसती है, और मेरे नाम के बारे में तो आपको पता होगा, मनोज कुमार साग के और ब्लास्टर नगला डालू वाले। ये गीत ये मैंने ही लिखा है, और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो कोशिश करूंगा कि नए नए प्रोग्राम हम आपको दें। बहुत हंसती है मक्कार लगती है, मैं जेठ हूँ तेरा बदकार लगती है। ऐसे वचन तूने कहे दिल मेरे में खटके, बदला लूंगा मैं ऐसा जो जीवन भर खटके। तू बहुत हंसती है मक्कार दिखती है, लिखती है मैं जेठ हूँ तेरा बदकार।